राजस्थान में माना जा रहा है कि 9 जनवरी को मंगलवार को सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस मंत्री को क्या मंत्रालय मिलने वाला है। जानकार सूत्रों के मुताबिक कुछ युवा चेहरों को बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जहां तक हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह विभाग अपने ही पास रखेंगे। इसके अलावा दिया कुमारी को वित्त विभाग दिया जा सकता है, जबकि प्रेमचंद बैरवा को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीण विकास मंत्रालय, गजेंद्र खींवसर खान एवं पेट्रोलियम मंत्री, राज्यवर्धन राठौड़ PHED विभाग UDH, बाबूलाल खराड़ी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सुरेश रावत उद्योग विभाग, अविनाश गहलोत चिकित्सा विभाग, जोराराम कुमावत आपदा प्रबंधन विभाग, मदन दिलावर श्रम मंत्री, जोगाराम पटेल पर्यटन विभाग, हेमंत मीणा ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, कन्हैया लाल चौधरी खेल और स्किल विभाग, सुमित गोदारा कृषि मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संजय शर्मा ऊर्जा स्वतंत्र प्रभार, गौतम कुमार दक सामाजिक सुरक्षा सहकारिता विभाग, झाबर सिंह खर्रा पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग, सुरेंद्र पाल सिंह TT अल्पसंख्यक विभाग, हीरालाल नागर ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी देवस्थान और गोपाल, मंजू बागमार महिला एवं बाल विकास विभाग, विजय सिंह चौधरी सैनिक कल्याण विभाग, KK बिश्नोई वन एवं पर्यावरण विभाग, जवाहर सिंह भेड़म संस्कृति मंत्री तकनीकी शिक्षा। हमने ये जानकारी सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दी है, साथ ही जो चर्चाएं चल रही है उस आधार पर दी है। हालांकि ये भी सच है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये पूरे तरीके से मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, और मुख्यमंत्री किसको क्या विभाग देंगे वो दिल्ली में मिलकर तय होगा। ये कह दिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा।